यानी कि नर्वस सिस्टम हाल बी के आगे है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना या न्यूरॉन की संरचना। नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन नोट कर लीजिए साइडिंग को। तो नर्वस सिस्टम क्या है, यानी कि हमारे शरीर में क्या असंख्य कोशिकाएं हैं और उसमें एक सिस्टम है जो कि नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारे शरीर में जो मांस है और मांस के बीच में क्या गई हुई है पेशियां, और उसमें असंख्य जाल का इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये तंत्रिका तंत्र है, ये शरीर के प्रत्येक भाग में फैला है। यानी कि आप अगर शरीर के किसी भाग को हल्का सा काटते हैं या रगड़ते हैं तो वहाँ पर रुधिर का स्राव तुरंत होने लगता है। तो जहाँ पर रुधिर का स्राव हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम यहीं तक फैला हुआ है। आप अगर बालों को काटें तो उसमें कोई भी रुधिर स्राव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है। जैसे बालों में, जैसे सर के ऊपर अगर ब्लेड को फेरा जाता है तो रुधिर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही स्किन में हमारे कोई धारदार वस्तु टच करती है तो रुधिर का स्राव होने लगता है। जिससे ये पता चल जाता है कि इस जगह पर तंत्रिका सिस्टम है। आपने देखा होगा कि जब नाखून बढ़ जाते हैं उसे हम काटते हैं तो वो भी क्या है, बेजान है, क्योंकि वह नर्वस सिस्टम से अलग हो चुका है। और जो चीज़ नर्वस सिस्टम से अलग हो जाती है वह मृत हो जाती है। तो मृत चीज़ को जब हम काटते हैं तो हमें कोई भी अनुभूति नहीं होती है, कोई भी संवेदना नहीं होती, कोई भी संकुचन नहीं होता है। लेकिन आपने देखा कि आप बैठे हुए हैं, कोई सुई चुभती है या कोई चींटा काटता है या कोई कीड़ा काटता है या पाँव में काटा लगता है तो तुरंत हमें संवेदना होने लगती है। तो ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। और नर्वस सिस्टम जैसे ही हमारे पैर में चोट लगती है या कोई चीज़ घुसने का अनुभव होता है, लगने का अनुभव होता है, तो वह सीधे कहाँ पहुँचता है, मस्तिष्क में। तुरंत वह सूचना मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क सूचना हमारे नेत्रों को देता है, नेत्र तुरंत उसे देखते हैं कि क्या चीज़ है, फिर वह उसे हाथ को आदेश देता है और हाथ तुरंत से हटा देता है या उस जगह से पैर को हाथ को हटा लिया जाता है। तो ये सिस्टम इतनी तेज़ी से चलता है। तो आज उसी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो लिखिए, तंत्रिका कोशिकाएं 1 से 5 मीटर, तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 से 2 मीटर, तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं, 2 मीटर तक लंबी होती हैं। आगे लिखेंगे, तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिकाकाय, नंबर 2 वृश्चिकाएं। कोशिकाकाय दूसरा तो नहीं लिखा अभी, तो नंबर 1 में ही लिखें, फिर हम उसके बाद अगला नंबर आपको लिखा है। नंबर 1 कोशिकाकाय, कोशिका काय जिसे कहते हैं साइटोन, इंग्लिश में साइटोन बोलते हैं इसे। तो इसमें लिखेंगे यह है तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, यह है तंत्रिका कोशिका का
यह है तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक व चारों ओर इसमें एक केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव्य में चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निसिल के कण होते हैं। प्रोटीन युक्त निसिल 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 के कण होते हैं। दूसरी यदि डालेंगे वृक्षिकाएं या डेंड्रॉन। वृक्षिकाएं इसे इंग्लिश में भी डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं डेंड्रॉन, लिखेंगे। ये कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्ध हैं। ये कोशिका काय से, ये कोशिका काय यानी कि जो कोशिका है और उससे निकलते जो पदार्थ हैं, क्या है ये? वही है, ये कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्ध हैं जिनसे अनेक शाखाएं, जिनसे अनेक शाखाएं द्रुमाशम, जिनसे अनेक शाखाएं द्रुमाशम, इस तरीके से लिखेंगे द्रुमाशम, द्रुमाशम या वृक्षिकांत, या वृक्षिकांत, या वृक्षिकांत निकलते हैं, या वृक्षिकांत निकलते हैं, या वृक्षिकांत निकलते। तीसरी हेडिंग डालेंगे तंत्रिकाच या एक्सॉन। तंत्रिकाच नोट कर लीजिए, तंत्रिकाच या एक्सॉन तंत्रिका से ही बना हुआ होता है, जिसे हम तंत्रिकाच कहते हैं। देखेंगे यह न्यूरीलेमा में बंद, यह न्यूरीलेमा में बंद, यह न्यूरीलेमा में बंद कॉमा बंद लंबा कॉमा मोटा, लंबा कॉमा मोटा तथा बेलनाकार प्रवर्ध, तथा बेलनाकार बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है। यह किसी ग्रंथि कौमा पेशी, ग्रंथि कौमा पेशी या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहता है, या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहता है। इस संपूर्ण आवरण को
इस संपूर्ण आवरण को मज्जा आच्छद, इस संपूर्ण आवरण को मज्जा आच्छद कहते हैं। मज्जा आच्छद कहते हैं। इसमें सिनेप्टिक घुंडियाँ निकलती हैं, इसमें सिनेप्टिक घुंडियाँ निकलती हैं जो तंत्रिका कोशिका के वृक्षिकांत से मिलकर सिनेप्स बनाती है, ये तीन प्रकार की होती हैं, नंबर एक संवेदी न्यूरॉन, अब संवेदी न्यूरॉन क्या होता है ये जाने। संवेदी न्यूरॉन लिखेंगे, संवेदी से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो संवेदना यानी कि जो सूचना संवेदना हमारे शरीर में हुई, जैसे खुजली हुई कहीं पर या कहीं पर कोई चुभन हुई तो तुरंत मस्तिष्क ने आदेश दिया, नेत्रों को नेत्र ने तुरंत देखा, तो संवेदना हमारे शरीर में हुई तो वह सूचना पहुंचने का जो कार्य करता है वही संवेद न्यूरॉन कहलाते हैं। तो लिखेंगे संवेदनाओं, ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, तथा केंद्रीय तंत्र कौन सा है आपका? मस्तिष्क, ब्रैकेट में आप लिखना चाहें मस्तिष्क या सुषुम्ना, इसे सुषुम्ना भी कहते हैं, मस्तिष्क या सुषुम्ना ब्रैकेट में ही लिखना है, इसे केंद्रीय तंत्र को में पहुंचाते हैं। केंद्रीय तंत्र के अंदर ये है, केंद्रीय तंत्र आपका इसके अंदर पहुंचा देते हैं। दूसरी हेडिंग है चालक या प्रेरक न्यूरॉन, चालक या प्रेरक न्यूरॉन। देखिए अब कौन ले जाएगा, जैसे गाड़ी में खड़ी हुई है और इससे हमें पता है कि गाड़ी से हमें जाना है, लेकिन जब तक आप गाड़ी में बैठ जाइए और जब तक उसमें चालक ना हो तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, तो उसे चलाने के लिए चालक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नर्वस सिस्टम बना हुआ है लेकिन इन सबको जो ले जा रहा है वह ले जाने का जो कोशिकाएँ अलग होती हैं, तो लिखेंगे इन्हें हम कौन सी न्यूरॉन कहते हैं, प्रेरक न्यूरॉन। लेकिन ये केंद्रीय तंत्र से संदेश लेकर कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं, कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं। लिख लिया। तीसरी हेडिंग है सहचर तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं
तंत्रिका कोशिकाएं, सहचर तंत्रिका कोशिकाएं, इसमें लिखिए ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका, ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती है, कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है। तो ये थे क्या इनके भाग, संवेदी न्यूरॉन कोशिकाएं, चालक या प्रेरक न्यूरॉन कोशिकाएं और सहचर कोशिकाएं। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना लेना है।
ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है और यहाँ पर ये जो मेन बिंदु बना हुआ है ये है आपका केंद्र, ठीक है, ये हो गया केंद्र। और इस तरीके से ये आपकी है डेंड्राइट्स, डेंड्राइटस, डेंड्राइटस, ये पूरी जो रचना है यह है न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना इस डायग्राम को बना